आज बनाने जा रही हूँ डोरमेट, या इससे आप टेबल मैट भी बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने चार कलर की फूल ली है और इसको आप साड़ी और चुन्नी से बना सकते हैं। और इसमें मैं डक वाली डिजाइन डालूंगी, बतख वाली। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे 35 फंदे डाले हैं, 35 फंदे डाले हैं, और एक रो मैंने इधर से उल्टी उल्टी बना ली। आप देखिए, यहाँ से मैं एक फंदा उतारूंगी और देखिए दो बुंदिया, तीन, चार, पांच, छह, ये छह फंदे मैंने ब्लैक बुने। उसके बाद मैं बतख बनाऊंगी, तो उसके लिए देखिए व्हाइट कलर लगा रही हूँ मैं, दो और तीन, इस धागे को ऐसे कर देंगे, चार, पांच, छह, सात, आठ, और 12। ये देखिए 12 फंदे मैंने बतख के लिए लिए, एक फंदा मैं आगे से बुन लूंगी, वापस इसको यहीं से पलट लूंगी। अब ब्लैक बनाने के बाद हम व्हाइट को आगे लाएंगे और देखिए इसको हम ऐसे क्रॉस कराएंगे, देखिए इसके ऊपर से थोड़ा सा खींच के इसको आगे लाएंगे, ताकि यहाँ पे सिलवट भी ना आए और होल भी ना हो। तो मैं 12 फंदे ये ऐसे ही बुन लूंगी। पांच हो गए इधर, अब एक फंदा में इधर का वाइट करूंगी, ये कर लिया। उसके बाद हम ऐसे ही बुनेंगे, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, और एक इधर से ले लेंगे। तो ये हमारे पास टोटल 14 फंदे इस रो में हो गए, और एक आगे से ले लेंगे। और देखिए हम इसको यही से पलट लेंगे। आप देखिए इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक फंदा ये वाला और एक ये दो कर दूंगी, दो इधर और दो इधर ब्लैक के बढ़ा दूंगी व्हाइट से, और इधर एक फंदा लेते रहूंगी। तो यहाँ पे ये तीन फंदे, इसके 12 फंदों के बाद तीन तीन फंदे दोनों तरफ से एक एक करके हो जाएंगे। फिर मैं आपको दिखा, ये देखिए यहाँ से मैंने एक दो तीन, तीन फंदे इधर बढ़ा लिए, तीन फंदे व्हाइट के इधर बढ़ा लिए, और ये मैंने 12 फंदे से स्टार्ट की थी। आप देखिए यहाँ से मैं इसको पलट लूंगी और देखिए एक फंदा उतार लूंगी यहाँ से, ये तीन फंदे बुने मैंने। उसके बाद देखिए इसको ऐसे कर लेंगे, अब ऐसे ही इसको हम बुनेंगे। अभी मैं ना बढ़ाऊंगी फंदे ना घटाऊंगी, जो फंदे हमारे पास इसमें है वही बुनूंगी मैं। धागे को खींचना नहीं है, नहीं तो ये सही से नहीं बन पाएगी आपकी। ये देखिए लास्ट तक इसको ऐसे ही बुनेंगे। ये देखिए इधर भी कोई फंदा नहीं बढ़ाना, जो फंदे जैसे हैं इनको अभी मैं एक फंदा आगे से ये ब्लैक का लेते जाऊंगी, ऐसे बढ़ाते जाऊंगी और यहीं से पलटते जाऊंगी इसको। और देखिए यहाँ से आगे लाएंगे और यहाँ से ऐसे ही बुनेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया। अब देखिए जो जैसी है इसको मैं अभी इतने ही फंदे बुनूंगी और ये इस तरह की दो गांठ स्टिच और बनाऊंगी, यानी कि चार रो और निकालूंगी दोनों तरफ की। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसमें। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने दो रो और बना ली है, तो यहाँ पे इसके बाद देखिए ये चार रो दिखने लग गई है। आप देखिए यहाँ से हम पलट लेंगे और देखिए इस तरीके से ये दो फंदे बुनेंगे, एक फंदा व्हाइट इधर से ले लेंगे और देखिए एक दो तीन, तीन फंदे इधर से लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक दो, दो ब्लैक इस रो में और देखिए एक
जैसे इधर से बुन रहे हैं वैसे ही बुनते जाएंगे इसको। ये देखिए इतने फंदे मैंने ले लिए, एक फंदा और आगे से ले लूंगी ऐसे और वापस इसको यहीं से पलट दूंगी। और देखिए यहाँ पे जो जैसा है उसको मैं वैसे बना के कम्प्लीट करूँगी। ये देखिए इधर से ये रो पूरी हो गई। अब देखिए इस रो में हम यहाँ से एक फंदा उतारेंगे और देखिए ये वाले सभी फंदे ब्लैक से बुने। उसके बाद देखिए जो ये यहाँ पे फंदे हैं इनको हम एक फंदा इस साइड को वाइट बना देंगे। उसके बाद देखिए ऐसे ही 3, 4, 5, 6 और 7 एक फंदा इधर का ब्लैक। उसके बाद हम जो जैसे इधर को बना रहे हैं वैसे ही बना लेंगे, एक फंदा आगे से ले लेंगे। आप देखिए यहाँ से हम ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे जैसे बने हुए हैं। ये देखिए रो पूरी हो गई। आप देखिए यहाँ से हम एक फंदा उतारेंगे और जहाँ तक ब्लैक है उनको हम ब्लैक बना लेंगे। ये देखिए एक फंदा हम इधर को ये वाइट बना लेंगे ब्लैक। आप देखिए यहाँ से हम रेड कलर लगाएंगे, इसकी चोंच बनाएंगे। तो ये देखिए ये वाला फंदा मैंने ब्लैक बना लिया, इसके पास वाला फंदा हम रेड बनाएंगे और यहाँ पे आगे हम जो बना रहे हैं जैसे तैसे ही बनाते रहेंगे लेकिन ब्लैक से आगे। जैसा है उसको हम वैसे ही बना लें। ये देखिए इधर से मैंने ये रो पूरी कर ली। आप देखिए यहाँ से हम यहाँ तक बना लिए ब्लैक वाले एक फंदा, फिर से हम वाइट बना लेंगे ब्लैक वाला। और यहाँ पे देखिए एक फंदा इधर को ब्लैक बना लेंगे वाइट, और एक जो बीच में जो था चौंच के बगल में वो वाला। और देखिए ये रेड वाला एक बार और हम बुनेंगे और यहाँ पे जैसे बना रहे हैं एक फंदा आगे से बराबर हम बढ़ाते रहेंगे। ये ऐसे ले लिया और यहीं से हम पलट लेंगे और इस रो को कंप्लीट कर देंगे पूरा बनाते हुए। ये देखिए इधर से मैंने ये रो कंप्लीट कर ली। आप देखिए ये फंदा ये मैं ऐसे इधर को बुन लूंगी और देखिए उसके बाद अभी मैं अब मैं कोई फंदा नहीं करूंगी इधर को। ये दो फंदे जो हैं वो मैं ब्लैक से यहाँ पे एक मैंने ब्लैक से बुना और एक मैं कलर अब ऐड करूंगी ये वाला। तो एक फंदा ये वाला और एक ये रेड वाला, ये दो फंदे हम ऐसे बुनेंगे। आप देखिए उसके बाद हम ब्लैक से बुनेंगे आगे से एक फंदा और ले लेंगे। बगल वाला जो है इसको हम इसी से बनाएंगे जिससे बना है और ये वाला वाइट। और यहाँ से हम जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। अब मैं इतना ही आपको दिखाऊंगी जो डिजाइन डालूंगी, बाकी हम एक फंदा आगे से लेते रहेंगे और जहाँ पे जो जैसा है वैसे बनाएंगे। ये देखिए मैंने इधर से रोक
कंप्लीट की, अब मैं यहाँ पे फिर आ गई हूँ, तो एक फंदा अब मैं इस रो में फिर से ये ब्लैक कर लूंगी। उसके बाद हम यहाँ से एक दो तीन चार, ये चार फंदे बुने। उसके बाद ये बीच में फंदा एक ब्लैक है हमारे पास, जो ब्लैक ही रहेगा। आप देखिए यहाँ से एक ये वाला फंदा और एक ये वाला, इसको हम वाइट कर लेंगे। आई बनाएंगे यहाँ पे, एक फंदा आगे से वाइट कर लेंगे और यहाँ पे हम आगे से जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। एक फंदा आगे से ले लेंगे और यहाँ पे जो जैसा है उसको बना के कंप्लीट। ये देखिए हम फिर से देखिए इधर से रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए इस रो में एक फंदा ये वाला ब्लैक बना लेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे तीन फंदे बड़े रहे थे ऐसे, और देखिए अब मैं ये जो बीच में फंदा एक चल रहा है इसको भी वाइट बना दूँ, और एक दो तीन फंदे इधर से। अब देखिए यहाँ से ये वाला फंदा ब्लैक बना, और इधर से हम जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे और इस रो को कम्प्लीट करेंगे। अब देखिए इधर से ये रो कंप्लीट करके मैं यहाँ तक उल्टे बुनते हुए आ गई हूँ, तो एक फंदा मैं इधर से ब्लैक बना लूंगी। और लास्ट में हमारे पास देखिए एक लास्ट रो है, तो यहाँ पे चार पांच, पांच फंदे वाइट के बचे और एक ये ब्लैक कर दिया। आगे से मैं एक फंदा लेके और यहाँ से ये रो कंप्लीट करते हुए इसको आ गई। ये देखिए इस तरह से ये रो पूरी हो गई। अब देखिए यहाँ से मैं सभी फंदे ब्लैक से बनाऊंगी, एक रो इधर से और एक उधर से। अब मेरे पास यहाँ पे कोई फंदा नहीं बचा है, सभी फंदे मैंने एक एक करके यहाँ तक ले लिए, और देखिए इस तरह से ये कली कंप्लीट हो गई है। अगली कली के लिए मैं यहाँ से पूरी रो ब्लैक बनाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने ये बना के कंप्लीट कर लिया। अब देखिए यहाँ से मैं लाइनिंग डालूंगी इसमें, तो मैं ये रेड कलर लगा रही हूँ। इसकी बनाऊंगी मैं, ये देखिए रेड की और दो ब्लैक की, इसके ऊपर जो बनाऊंगी दो ब्लैक की, तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे लाइनिंग डाल ली है, दो मैंने रेड की डाली, दो ब्लैक की, दो फिर वापस रेड की और दो ब्लैक की। इस तरह से यहाँ पे मैंने ये आठ रो पूरी की है। अब देखिए अगली ये डब डालने के लिए, या फिर आप स्वान भी कह सकते हैं इसको, जो भी आपको लगे वो आप यहाँ से फिर से डाल सकते हैं। मैं अगली ये रो मैंने बना ली है ये वाली, अब मैं यहाँ से अगला स्टार्ट करूंगी और इसी तरह से इसको कंप्लीट।